इंस्पेक्टर चाहिए कि हमें कॉल आई, हम डर गए, हम घबरा गए। हमने पार्लियामेंट हाउस तक जाना था, हम चाह रहे दस्तूर पे भी जाएंगे, वहां से मार्च भी करेंगे, मगर चंद कदम पीछे से हम दोबारा से एंटर भी हो जाएंगे। ये पैगाम देने के लिए कि 20 कदम हम आगे भी जा सकते थे, मगर क्योंकि वफाकी मुद्रा की कमेटी हमारा केस बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रही है और उनको भी यही पैगाम बताया हमने कि वजारत खजाना जो मुतालबात है उसके अंदर रुकावट है और उसके एडमिशन डिवीजन आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। अगर ये मामला हल नहीं होते तो बजट के दिन जो एहतजाज होने एपका के हमारे निगरान पंजाब से खाली जवेद संघेड़ा साहब भी मौजूद है, इनकी एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग थी, चेयरमैन ऑल गवर्नमेंट इंप्लॉयज ग्रैंड लाइन पंजाब के चेयरमैन सुल्तान मुजद्दीन साहब यहां पे मौजूद, जो पंजाब के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या स्पेशल रिडक्शन स्पेशल अलाउंस मिला है वो आ जाए, मैं इनसे बात भी करूंगा ये डिस्पैरिटी स्पेशल कैसे हुआ, उसके अंदर इनका भरपूर किरदार रहा है। और पंजाब के मुलाजमीन के लिए मैसेज है, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, आदत को पहचाने कौन आपके लिए फाइट कर रहे थे, हर जगह एतराज बराए एतराजात, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती है। आज अगर आपको ये रिलीफ मिला 7,21,000 मुलाजमीन को पंजाब के, तो ये दर्जन भर लीडर्स और 5,000-7,000 मुलाजमीन होंगे जो पंजाब से यहां तक आए, बाकी घर बैठे भी उनको रिलीफ मिला। वफाक में 3,50,000 मुलाजमीन को रिलीफ मिला, मगर मैदान अमल में थे तो 5,000-6,000 मुलाजमीन लमाए फिक्रिया पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए कि खुदा अपनी सफर में इतिहाद पैदा रखे, कायदीन के लिए भी कोई शक नहीं है कि मुलाजमीन के मुतालिबात हर सूरत में इंशाल्लाह पूरे होंगे।